तो फिर क्या हमारे क्वालिटी में ये फिट बैठेगा या नहीं, इसे फटाफट से अभी ओपन कर ले। तो भाई कुछ इस तरीके से ये फ्रैग्रेंस आपको देखने को मिलेगी। अब मिक्स फ्रूट में क्या होता है, चीजें मतलब थोड़ी सी बदली बदली लगती हैं। एक हमें जैसे पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल का पूरा बेस फ्रैग्रेंस आएगा, लेकिन मिक्स में क्या होता है वो आप जानते हो। अब सारी चीजें मिल जाने के बाद उसकी वैल्यू और उसका जो बेस फ्रैग्रेंस है वो पूरा चेंज हो जाता है। सोलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। सो फिर जैसे कि आप जानते ही होंगे, पिछले दो वीडियोस में हमने दो परफ्यूम्स के रिव्यू किए थे जो कि बेस हमारा फ्रूटी फ्लेवर्स था। इसमें से फर्स्ट हमारा था मैंगो और सेकंड था हमारे पास पाइनएप्पल। दोनों का बेस रिव्यू वीडियोस हमारे चैनल पे बनी हुई है, अगर वो वीडियोस आप नहीं देखें तो वीडियोस जरूर देखिए। और एक अच्छा रिव्यू हमने उस वीडियो में इस परफ्यूम के लिए किया हुआ है। सो फिर एक और जो परफ्यूम्स है उसका भी एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट और एंड, जो कि फ्रूटी नोट्स, फ्रूट के जो परफ्यूम्स होते हैं उसका एक मात्रा हमारा जो है मिक्स फ्रूट का रिव्यू करना बाकी है। तो इसे भी देख लेते हैं और इसकी क्वालिटीज आपको किस तरीके से मिलेंगी, क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसके बारे में जो है इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। मिक्स फ्रूट मीन्स आप चीजों को समझ रहे होंगे, जो कि ऑल ऑफ जो जितने भी फ्रूट्स होते हैं, सपोज हमारा मैंगो, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, बनाना या फिर और भी मैं बोलूँ अमरूद, जो भी मिक्स के फ्रूट्स के जो अलग अलग फ्रेग्रेंस होते हैं उसका एक बेस नोट ये मिक्स फ्रूट हमारा कहलाता है। और जो कि सभी तरीके के जो फलों की खुशबू होती है उसका टेस्ट, मतलब टेस्ट ना, खाने में टेस्ट तो खाने में आता है, बट इसका फ्रेग्रेंस का जो टेस्ट है, मतलब खुशबू का जो स्मेल करने का हमारा एक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फ्रेग्रेंस में आपको सारे तरीके के अलग अलग नोट्स एक ही चीज में आ जाती हैं, तो इसे हम बोल देते हैं मिक्स फ्रूट। मिक्स फ्रूट देखा जाए तो मार्केट्स में डिमांड रहती है, बट सीजनली इसका ज्यादा डिमांड होता है। गर्मी का टाइम होता है, समर टाइम में ये डिमांड चलती है और अगरबत्ती में भी इसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। सो फिर क्या हमारे क्वालिटी में ये फिट बैठेगा या नहीं, इसे फटाफट से अभी ओपन कर लेते हैं। वैसे थोड़ा ओपनली ये है और जिस तरीके से अभी देख पा रहे होंगे, यहां से हमने ये लॉक हटा दिया, ये ऊपर से ये कैप मैंने पहले भी इसे टेस्ट कर चुका है। और जहां तक मैं अपना एक बेस रिव्यू दूं तो क्वालिटीज बेटर है। और पहले डाल लेते हैं इस खाली बीकर में और उसके बाद इसके स्मेल को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। तो भाई कुछ इस तरीके से ये फ्रैग्रेंस आपको देखने को मिलेगी और ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा फ्लेवर है, फ्रैग्रेंस है, परफ्यूम्स है, इसके फ्रैग्रेंस और इसके जो लिक्विड है ये थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पाइनएप्पल में आपने देखा था तो हल्का येलोनेश था, मैंगो भी हल्का येलोनेश कलर में आपको देखने को मिला होगा, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा डार्क रेड में बोलूं या फिर हल्का काले के फॉर्म में या फिर चॉकलेटी कलर जिसे कहा जाता है उस फॉर्म में इसका लिक्विड का जो है बेस थिकनेस वैल्यू हो या फिर इसके जो कलर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और रही बात तो परफ्यूम में, मेरे को जहां तक चीजें समझ में आ रही है तो थोड़ा सा ये इसकी जो तो थिकनेस है वो बहुत कम है, मतलब ऑयल का फॉर्म थोड़ा सा कम ही लग रहा है इसमें। और जिस तरीके से हिलाने पर ये आवाज करी, ज्यादातर ऑयल्स इस तरीके से जो है आवाज नहीं करती हैं, बट ये भी एक सही है। सबके जो बेस एल्डिहाइड्स होते हैं, फ्रेग्रेंस के जो टाइप्स हैं अलग अलग, सो फ्लावरी नोट में किस अलग टाइप के एल्डिहाइड्स का यूज होता है, अलग केमिकल्स का यूज होगा, वैसे फ्रूटी नोट्स में अलग होगा। बेस जो वुडी नोट है, उस वुडी नोट जो होते हैं उसमें भी अलग तरीके की चीजें यूज होगी। सबके लिए एक सेम पर्पस, सेम केमिकल तो नहीं होता, इसके वजह से परफ्यूम्स में आपको कलर में
और उसके जो थिकनेस वैल्यू है इसमें सारी चीजों में चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब मिक्स फ्रूट में क्या होता है, चीजें मतलब थोड़ी सी बदली बदली लगती हैं। एक हमारा मैंगो है या फिर पाइनएप्पल है या फिर और कोई अदर फ्रूटी फ्लेवर्स है, तो उसमें जैसे पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल का पूरा बेस फ्रेगनेंस आएगा, लेकिन मिक्स में क्या होता है वो आप जानते हो। अब सारी चीजें मिल जाने के बाद उसकी वैल्यू और उसका जो बेस फ्रेगनेंस है वो पूरा चेंज हो जाता है। और जहां तक बात करें तो इसमें सारे टाइप के फ्रेगनेंस मिला जुला लग रहा है, और देखा जाए तो मैंगो और पाइनएप्पल का सबसे ज्यादा इसमें बेस फ्रेगनेंस आपको देखने को मिलेगा। मैंगो और पाइनएप्पल मतलब 70% मैंगो और पाइनएप्पल है, बाकी जो 30% है कुछ एक्स्ट्रा जो मतलब फ्रूट्स के उसके स्मेल आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इसमें ग्लास जो है इसमें चीजें उतनी क्लियरिटी समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा डीप कर लेते हैं क्योंकि इंसेंस स्टिक जब परफ्यूम को एब्जॉर्ब करती है, सोखती है, तो उसके बाद इसका जो बेस फ्रेगनेंस है वो हमें समझ में आता है और वो देखने को मिलता है। यहां से चीजें थोड़ी सी अलग लग रही है। और जो है मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका जो बेस यूज करने का जो पर्पस होता है लोगों को वो होता है एक जो बेस मीडियम कैटेगरीज या फिर उसे नीचे जो जिसे हम लूज कैटेगरीज कहते हैं उसके लिए, या फिर जो कि एक प्राइस को प्राइस रेंज को जो सस्ता करके चीजें बन सके उसमें, उसके लिए आप बेटर इसे जहां तक मैं चीजों को समझ रहा हूं तो ये हाई डाइल्यूशन और लूजेज अगरबत्ती के लिए आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि अप्रोक्स लोगों को उसमें हाई डाइल्यूशन चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में अगरबत्ती बननी चाहिए। वैसे इसे मुझे हमारे जो परफ्यूम के लिस्ट हैं उसमें ऐड करने का कोई ऐसा फोकस नहीं था, बट कस्टमर्स की डिमांड होने की वजह से इसे हमने ऐड किया हुआ है। बाकी आपकी मर्जी, ये परफ्यूम्स आपके तीनों कैटेगरीज के लिए परफॉर्मेंस अच्छा देगा, चाहे आप एक प्रीमियम सेगमेंट में बनाना चाहो, चाहे बेस मीडियम क्वालिटी में अगरबत्तियां बनाना चाहो, या फिर लूज जो कि किलो के भाव में अगरबत्तियां बिकती हैं उसमें भी ये इसका परफॉर्मेंस अच्छा आपको देखने को मिलेगा। सो फिर यही था एक मिक्स फ्रूट का बेस रिव्यू वीडियोस जिसमें चीजों के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और फ्रूटी फ्लेवर्स में परफ्यूम्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और बेसिक परफ्यूम्स के और भी जो फ्रेग्रेंस है उसके बेसिक डिटेल्स आप जान सकते हैं। मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।